वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE का मुख्यालय कहाँ है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सेवारत अध्यापकों की शिक्षा के लिए सुनियोजित पाठ्यक्रमों का शुभारंभ कब किया गया? सेवारत अध्यापकों की शिक्षा के लिए सुनियोजित पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया गया वर्ष 1955 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम हुई गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी का जन्म कब हुआ था? मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाल देवो भव या किस शिक्षा शास्त्री का नारा था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बाल देवो भव या किस शिक्षा शास्त्री का नारा था? तो गिजू भाई का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पोस्को अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद कितने दिनों के भीतर अदालत बच्चे की साक्ष दर्ज करेगी? पोस्को अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद 30 दिनों के भीतर अदालत बच्चे के साक्ष दर्ज करेगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एरिक एडिकसन की विकास की अवस्थाओं के अनुसार बच्चा डैश की आयु में निर्णय लेता है। एरिक एडिकसन की विकास की अवस्थाओं के अनुसार बच्चा 3 वर्ष की आयु में निर्णय लेता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना कहलाता है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पठन विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है वह है साथियों के साथ चर्चा करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई? यूनिसेफ की स्थापना की गई 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ को कब नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 1965 में। अगला प्रश्न है, किसने कहा खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं यह कहा गया था लेवागोस्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो दोस्तों वह आयु वर्ग है 3 से 4 वर्ष का, ऑप्शन नंबर ए। 3 से 4 वर्ष आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी है?
विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी है समायोजन की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गिजू भाई बधेका का जन्म कहाँ हुआ था? गिजू भाई बधेका का जन्म हुआ था गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मेकाले की शिक्षा नीति कब आई थी? मेकाले की शिक्षा नीति आई थी वर्ष 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना कब की गई? विश्व भारती की स्थापना की गई थी 6 मई 1922 को। अगला प्रश्न है, ओ डिस्पैच का समय कब था? ओ डिस्पैच का समय था 1854 का। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, गिजू भाई बधेका का शिक्षा दर्शन केंद्रित था? गिजू भाई बधेका का शिक्षा दर्शन केंद्रित था, शिक्षा हेतु बालकों के साथ हिंसा पर, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।